चेंज ऑफ कंपाउंड इंटू सिंपल सेंटेंसेज जो कम्पाउंड सेंटेंस है उसको सिंपल में कैसे बदला जाता है जैसे कि यू मस्ट टेक केयर ऑफ यूअर हेल्थ अदरवाइज यू कैन नाट गेट वेल तो जब हम उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे तो कैसे बनेगा वो यू कैन नाट गेट वेल विदाउट टेकिंग केयर ऑफ यूर हेल्थ अब कंपाउंड आगे है, फिर है द कल्परिट शाद पुलिस एंड एस्केप्ड तो अब यहां पे सीइंग द पुलिस द कल्प्रिट एस्केप्ड तो इस तरीके से हम इसको बदल देंगे कंपाउंड सेंटेंस अगला फिर है ही हैड गुड लक एंड वाज एबल टू विन द कंपटीशन ओविंग टू हिज गुड लक ही वाज एबल टू विन द कंपटीशन आगे है

सिक्स है द वर्क वॉज कम्प्लीटिड सो आई मेड द पेमेंट तो द वर्क हैविंग बीन आई आई मेड पेमेंट ठीक है सेवन है आई लुकड एट द सीन एंड वॉज कैप्टिवेटेड तो लुकिंग एट द सीन आई वॉज कैप्टिवेटेड उसके बाद है ही पुट हिज टूल्स असाइड एंड टुक रेस्ट पुटिंग असाइड हिज टूल्स ही टुक रेस्ट नाइन है ही वर्कड लेट एट नाइट एंड गोट अप लेट नेक्स्ट मॉर्निंग तो हैविंग वर्कड लेट ही गोटअप लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टेन है द चाइल्ड द स्वीट्स एंड हिज माउथ वाटर्ड तो सींग द स्वीट्स द चाइल्ड माउथ वाटर्ड तो इस तरीके से हम जो कंपाउंड सेंटेंस है उनको सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे वैसे ये हमारे पास एग्ज़ाम में नहीं आता हमारे पास केवल सिंपल को कंपाउंड में चेंज करना आता है या फिर जो हमारे पास सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं वो आता है और कॉम्प्लेक्स में मोस्टली जो है हमारे पास जो तरीका होता है वो रिलेटिव जो प्रोनाउन है उनका ही प्रयोग करके रिलेटिव कंजक्शन का ही प्रयोग करके हम उनको चेंज कर देते हैं जैसे कि एक दो एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं तो यहाँ पे यूजिंग नाउन क्लाउज़ नाउन क्लाउज़ कह रहा है कि नाउन क्लाउज़ का प्रयोग करते हुए जो है हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है सिंपल को तो अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर द कल्प्रिट मस्ट बी हैंग्ड तो ही ऑर्डर्ड दैट द कल्प्रिट मस्ट बी हैंग्ड तो हिज ऑर्डर अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर है यहाँ पे तो जो हिज ऑर्डर है हमने इसको नाउन बनाना है और नाउन क्लाउज कौन सी होती है जो नाउन को ही डिफाइन करती है ही ऑर्डर्ड तो यहाँ पे ही ऑर्डर्ड ही को ही जो है अगली जो दल्प्रिट मस्ट बी हैंग्ड वो ही को डिफाइन करता है आगे है द चाइल्ड एडमिटेड हिज मिस्टेक तो द चाइल्ड एडमिटेड दैट ही वाज मिस्टेकन तो यहाँ पे दो द चाइल्ड जो है वो नाउन है और नाउन को क्लैरिफाई करने के लिए हमने दैट ही वाज मिस्टेकन में चेंज किया है इसको डू यू वांट टू हेल्प मी डू यू वांट मी टू हेल्प हिम तो जब इसको कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे डू यू वॉन्ट दैट आई शुड हेल्प हिम तो इस तरीके से फिर ये बदल जाएगा प्लीज पे अटेंशन टू हिज ऑर्डर्स तो इसको जब हम कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे प्लीज पे अटेंशन टू वट ही इज ऑर्डरिंग तो यहां पे हिज ऑर्डर जो है इसको हमने क्लैरिफाई कर दिया चेंज करके ही इज ऑर्डरिंग में ही विल सर्टेनली हेल्प यू तो जब इसको बदलेंगे तो दैट ही विल हेल्प यू इज सर्टेन तो इस तरीके से बदल जाएगा फिर ये यह, यहाँ पे जो हमने नाउन को क्लैरिफाई किया है वो है ही दे सीम्ड टू इंजॉय इट तो इट सीम्ड दैट दे इंजॉयड इट तो यहाँ पे इट को क्लैरिफाई किया है हर मेन वर्क सीम्स टू मेक बेंगल्स इट सीम्स हिज मेन वर्क इट सीम्स दैट हिज मेन वर्क इज टू मेक बेंगल्स तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है वैसे हमारे सिलेबस में ये नहीं है ए, इस तरह के सेंटेंसेस हमारे पास नहीं आते दिस इज नॉट द वे कि जहां पे हमें नाउन क्लाउज का प्रयोग करना पड़े एडजेक्टिव क्लाउज का यूज करना पड़े एडवर्बियल क्लाउज का यूज करना पड़े मतलब इस तरीके से हमारे पास जो है सेंटेंसेस नहीं आते हमें डायरेक्ट जो है उसको हमें यही बोला जाता है कि सिंपल सेंटेंस को जो है कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करें और वहां पे कोई ये हमारे पास स्पेशल ये नहीं होता प्रोविजन नहीं होता कि नाउन क्लाउज का करें या फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब ये ऐसा नहीं होता फिर भी इस तरीके से हम कर लेते हैं दिस इज नॉट द वे टू वास्ट हाँ यूटी यूटेंसिल्स तो दिस इज नॉट द वे हाउ यूट आर वास्ट तो यहां पे जो दिस इज नॉट द वे है ये नाउन क्लाउज है इसी को हमने क्लरिफाई किया है सिंपल सेंटेंस आगे फिर द लैंड सीम्ड टू बी डिवाइडेड इनटू स्क्वेयर्स तो इट सीम्ड दैट द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू स्क्वेयर्स। आई डोंट एक्सपेक्ट टू सी हिम हियर अगेन आई डोंट एक्सपेक्ट दैट आई शुड सी हिम अगेन तो फिर इस तरीके से बदल देंगे आगे दिया हुआ है एडजेक्टिव क्लाउज का प्रयोग करते हुए प्लीज ब्रिंग द न्यू कप बोर्ड तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लाउज का प्रयोग करना है हमने विच प्लीज ब्रिंग द कप बोर्ड

एडजेक्टिव क्लाउज हो गई ही वॉज कमिंग विद ए ब्लाइंड वुमैन तो ही वॉज कमिंग विद ए वूमैन हु वॉज़ ब्लाइंड तो इस तरीके से इसको चेंज कर देंगे दिस इज माई बैग दिस इज द बैग दैट बिलोंग्स टू मी आई हैव ए लविंग फैमिली आई हैव ए फैमिली विच लवज मी द एक्टर ऑफ दिस मूवी इज कमिंग टूमोरो द मैन हु एक्टेड इन दिस मूवी इज कमिंग टूमोरो

वी स्टेड एट होम बिकॉज ऑफ एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क वी स्टेड एट होम एज द वर्क वॉज अर्जेंट तो यहाँ पे एज का प्रयोग करके हमने जो है एडवर्बियल क्लाउज का प्रयोग किया है कि जो स्टे का, का कारण है वो क्यों, क्या है द वर्क वॉज अर्जेंट सी डांस अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशन तो इसको हम ऐसे की ऐसे ही रखेंगे उसके बाद आई मेट हिम एट अवर मीटिंग प्लेस आई मेट हिम वेयर वी यूजली मीट ठीक है तो ये इस तरीके से एडवर्बियल वेयर वी मीट द द कैट माइस विल प्ले तो वेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले आई वेंट अर्ली टू गेट ए गुड सीट आई वेंट अर्ली सो दैट आई कुड गेट गेट ए गुड सीट तो इस तरीके से द मैन पुल्ड द चेन एंड द ट्रेन दिन द मैन द ट्रेन स्टॉप द मैन पुल्ड द चेन ही वॉक्स लाइक ए किंग ही वॉक्स एज इफ ही वर ए किंग इन स्पाइट ऑफ बींग पुअर ही इज ऑनेस्ट ऑल ही इज पुअर येट ही इज ओनेस्ट एडवर्बियल क्लाउज कौन सी होती है एडवर्बियल क्लाउज होती है जो जहां पे एडवर्ब का प्रयोग किया गया हो या फिर जो वर्ब को क्लैरिफाई करे उसको हम एडवर्बियल क्लाउज बोलते हैं ही विल डाई ऑफ सन स्ट्रोक बाई कीपिंग ऑन लाइक दिस तो ही विल डाई इफ ही कीप्स ऑन लाइक्स दिस तो यहाँ पे जो हमारे पास वर्ब है ना इन सेंटेंसेस के अंदर उसको डिफाइन करने के लिए हम एडवर बिल क्लोज का प्रयोग कर रहे हैं तो ही विल डाई जो डाई वर्ड है यहाँ पे डाई को आगे डिफाइन कर रहा है इफ़ ही कीप्स ऑन लाइक्स दिस यू आर टूथ बींग आउट यू कैन गो टू स्कूल यू कैन गो टू स्कूल एज यूअर टूथ इज आउट तो यहाँ पे जाने गो uh, की जो विशेषता है उसको आगे डिफाइन किया गया है आगे सेंटेंसेस में तो इस तरीके से ये टॉपिक जो है हमारे पास कंबाइन करना आएगा